नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देवास जिले के अंतिम छोर पर बसे नगर खाते गांव में गुरुवार दोपहर 11 बजे एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों को एक अनजान व्यक्ति द्वारा अपहरण कर इंदौर की ओर ले गया। वहीं खाते गांव थाना प्रभारी विक्रांत झंझोर को सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत पुलिस टीम गठित कर मात्र 15 घंटे के अंदर ही तीनों मासूम बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के साथ ही अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि खातेगांव स्थित बड़ा मोहल्ला में रहने वाले अनीश शेख के तीनों बच्चे पास में ही हो रही शादी में खाना खाने के लिए सुबह 10 बजे गए थे, लेकिन जब 12 बजे तक बच्चे घर नहीं लौटे तो बच्चों की तलाश की गई, लेकिन तीनों बच्चों का कोई पता नहीं चला। तब परिजनों द्वारा खातेगांव पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण कर प्रकरण दर्ज कर बच्चों की तलाश की। देवास पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आकाश भूरिया कन्नौज एवं एसडीओपी कन्नौज के मार्गदर्शन में खातेगांव कन्नौज सतवास नीमावर और हरणगांव की पुलिस के सहयोग से टीम का गठन कर मामला अति संवेदनशील होने पर अपहरण बच्चों की तलाशी के लिए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज तलाशे गए, जिसमें बच्चों की मां ने अपने बच्चों को पहचान लिया। इसके कैमरे में एक व्यक्ति बच्चों को ले जाता हुआ नजर आया। पुलिस की तलाश करने पर पता चला कि बस इंदौर की ओर गई है। इसके बाद ही खातेगांव द्वारा इंदौर की पुलिस से संपर्क किया गया। इंदौर पुलिस की सहायता से इस 4 चौराहा पर बच्चों सहित आरोपी को गिरफ्तार किया गया। के अनुसार आप एक कमलपिता देवीलाल देवड़ा ग्राम खारिया थाना सतवास का रहने वाला बताया जा रहा है। उक्त आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी करीब 21 अपराध दर्ज होना पाया गया। खातेगांव पुलिस द्वारा उमरा शेख उम्र 8 साल, हिनाया शेख उम्र 2 साल 6 महीने एवं बालक रोमन शेख उम्र 7 वर्ष को तीनों बच्चों को परिजनों के सुपुर्द किया। बच्चों को पाकर मां लिपट कर रोने लगी। मात्र 15 घंटे की में अपहरण किए गए बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के बाद मुस्लिम समाज खातेगांव एवं साहू समाज द्वारा पुलिस टीम का आभार व्यक्त करते हुए साफा बांध का प्रतीक चिन्ह भेंट कर एवं पुष्पहारों से सम्मान किया गया। खातेगांव से न्यूज 69 के लिए सत्तार खान की रिपोर्ट। जिसमें बताया गया कि 11 बजे के आसपास बड़ा मोहल्ला उसकी फरियादी है, जिसके 3 बच्चे उसने तैयार करके सामने ही शादी में कहीं भेजे हैं, और शादी में जाने के बाद में बच्चे वहां से एक व्यक्ति के साथ में निकल गए। इस बात की सूचना जैसे ही थाने पे मिली तो थाने पे तत्काल मामले को गंभीरता से लिया गया और धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध करके थाने की टीमें तत्काल उक्त बच्चों की तलाश हेतु लगी गई। थाने स्तर से 2 टीमें हमने लगाई थी। फुटेज देखने के आधार पर घर वालों ने अपने बच्चों को आइडेंटिफाई किया और एक व्यक्ति एक बच्ची को गोद में लेकर के और 2 बच्चों को साथ में लेकर के जाता हुआ दिखाई दिया। फुटेज के आधार पर पुलिस ने काफ़ी ही हिम्मत अमली से पूछताछ की, और जब बस स्टैंड का कैमरा पता किया तो वहां पर बस संचालक और उनके कंडक्टरों द्वारा बताया गया कि उक्त व्यक्ति 3 बच्चों को लेकर के इंदौर की बस में चढ़ा है, जिसने टिकट प्रथम दृष्टया टिकट उसने सतवास का लिया था, तो हमारे द्वारा सतवास के भी कैमरे चेक किए गए, किंतु सतवास बस स्टैंड पे हमको इस तरह की कोई जानकारी नहीं लगी। चूंकि बस इंदौर जाने वाली थी तो वहां से हमने हमारी टीम है तत्काल खातेगांव कन्नौज सतवास की टीमों को लगाकर एसडीओपी कन्नौज और इंदौर की टीमों को एक्टिव किया। देवास से भी कुछ पुलिस ऑफिसर हमारी टीमों में जुड़े और इंदौर पे जब 3 अमली चौराहे की फुटेज लिए, फुटेज के आधार पर हमने इंदौर के सारे सीसीटीवी फुटेज जब देखे तो इंदौर के ग्रुपों में भी व्हाट्सएप पे ये सोशल मीडिया पे मैसेज काफ़ी वायरल हुआ। वहाँ के लोगों द्वारा भी हमको कई इस संबंध में कई सूचनाएं दी गई और फाइनली पूरी रात की मेहनत के बाद में सुबह 5 बजे के आसपास उक्त तीनों बच्चों को और आरोपी को हमने इंदौर से बरामद किया। सर, किस हाल में वो बच्चे? सुरक्षित है और बच्चे ठीक है, मेडिकल चेकअप भी उनका करवाया गया है। आरोपी की क्या मंशा थी बच्चों को ले जाना? आरोपी से पूछताछ इस संबंध में की जा रही, हो सकता है उसकी कोई बड़ी मंशा हो। फिलहाल टीम सवेरे बच्चों को और आरोपी को लेकर के आई है और उसको कोर्ट में पेश करेंगे और रिमांड लेकर के विस्तृत में पूछताछ की जाएगी। सर, आरोपी कहाँ का रहने वाला? सतवास थाना सतवास खारिया गांव थाना सतवास का निवासी है और पूर्व में भी इसका आपराधिक रिकॉर्ड है, वो आपको अलग से उपलब्ध करा दिया। अभी प्रथम दृष्टा कुछ मामला आया कि बच्चों को क्यों अगवा किया था? उस बारे में हमारी पड़ताल जारी। का मामला है, अनीश खान जो है बड़ा मोहल्ला के निवासी, इनके माध्यम से हमें शाम 5:30 बजे सूचना मिली थी कि इनके बच्चे हैं 2 बालिका और 1 बालक, वो पड़ोस में ही कहीं शादी में गए थे और शादी समारोह से काफ़ी देर तक जब बच्चे नहीं लौटे तो परिजनों के द्वारा बच्चों की तलाश की गई। जब बच्चे आसपास कहीं भी नहीं मिले तो इनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस एक्टिव हुई, हमने हमारी टीम को एक्टिव किया, वरिष्ठ अधिकारियों को
को घटना के बारे में बताया गया। अनुभाग स्तर पर टीमें गठित की गई। देवास कोतवाली सीएसपी साहब, कोतवाली डीआई साहब, गलोर डीआई साहब, सतवास डीआई साहब, इसके अतिरिक्त हरणगांव, नेमा और सब डिवीज़न से भी हमें फोर्स मिला। और हमारे फोर्स के माध्यम से हमने तकनीकी आधार पर और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी जो है उसको 12 घंटे के भीतर ही इंदौर से, जैसा कि आपने बताया, रेडिसन चौराहा और स्टार चौराहा के बीच से हमने बच्चों को सकुशल दस्तियाब किया और आरोपी को भी गिरफ्तार किया। उक्त आरोपी का नाम कमल पिता देवीलाल है, जो थाना सतवास खातेगांव और कन्नौज में पूर्व में भी खातेगांव सतवास कन्नौज में इसके पूर्व के भी अपराध है, आपराधिक प्रवृत्ति का है और ये बच्चों को ले गया था और हमारी टीम के द्वारा सफलतापूर्वक बच्चों को दस्तियाब किया गया है और इसमें अग्रिम मैदानी कार्रवाई बच्चों से पूछताछ के आधार पर। खातेगांव में आपका भव्य स्वागत हुआ, इस पूरी सफलता को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये टीम वर्क है और हमारी टीम अनुभाग स्तर की टीम और जिला देवास की पूरी टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर इन बच्चों को सकुशल 12 घंटे के भीतर दस्तयाब किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जो कि साहब के मार्गदर्शन में, तो एक टीम एफर्ट्स है और बच्चे कुशल है, सकुशल है तीनों बच्चे कुशल हैं। उनसे हमारी महिला अधिकारी पूछताछ कर रही है, आगे उनसे पूछताछ के आधार पर जो भी अग्रिम मैदानी कार्रवाई होगी वो की जाए। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।